एक्सक्यूज मी, आप तो राजीव चौधरी है ना? जी हाँ, कैसे हैं आप? आप कौन है? मैं आपका फैन हूँ। आप जहाँ कहाँ रहे हैं ये आपको क्यों बताऊं? फैन ही जा रहे हैं ना आप? फैन ही क्यों जा रहे हैं? अपने बिजनेस के काम से। बिजनेस के काम से या भाग रहे हो? अभी आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों, मैं थाने क्यों जाऊंगा? यूसुफ, इसे पकड़ो और ले चलो। एकदम चुप हो जा तू, एक भी शब्द मत निकाल। जो बोलना है थाने में बोलना। चल ले चलो इसे। लेकिन मैंने किया क्या है? 13 मई 2016, फोर सिटी यूनिवर्सिटी से घर लौटते समय लापता हो गई थी तन्वी। लगभग हर जगह ढूंढने पर जब नहीं मिली, उसकी माँ ज्योत्सना अखबार में उसकी तस्वीर देखकर जाती है सीताकुंड थाना। साथ में जाते हैं तन्वी के बहुत ही करीबी दोस्त यार और उसके पूर्व प्रेमी राहत। यहाँ 14 मई 2016 को चट्टग्राम के इको पार्क से तन्वी की लाश बरामद होती है। अगले दिन सुबह लाश की शनाख्त करने के लिए चट्टग्राम मेडिकल कॉलेज में जाती है तन्वी की माँ और उसके यार दोस्त, और उसके साथ गए थे तन्वी के पूर्व प्रेमी रमजान अली राहत। तन्वी की लाश को देखकर सब लोग बहुत टूट चुके थे। तन्वी के लापता और लाश बरामद होने की खबर सुनकर उसके वर्तमान प्रेमी राजीव छिप कर रहता है, इसलिए पुलिस के शक का निशाना बनता है राजीव। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद राजीव की बात सुनकर पुलिस को मिलता है एक क्लू। क्या है वो क्लू, जानने के लिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, एक सच्ची घटना। बोल, नहीं तो मैं तुझे। आकाश सर, इसको तो मैं देखूंगा। सर प्लीज, मेरी अम्मी अब्बू को खबर कर दीजिए। चुप, तेरी अम्मी अब्बू को खबर क्यों दूं मैं? तन्वी के साथ प्यार करते समय अम्मी अब्बू को बताया था क्या, या फिर तूने तन्वी का खून करते समय अम्मी अब्बू को बताया था? चुप क्यों है, बोल अब क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता साहब। तुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर किसे पता होगा? मैं तन्वी से बहुत प्यार करता था सर, मैं उसे जान से ज्यादा प्यार करता था सर। तू तन्वी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, तो फिर खून क्यों किया उसका? मैंने तन्वी को खून नहीं किया साहब। तो फिर किसने किया? उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी, या फिर तेरे साथ किसी की दुश्मनी थी? जी सर। किसके साथ? फहद नाम के एक लड़के के साथ। फहद नाम के लड़के के साथ, इसलिए तूने, फहद ने, सबने मिलकर तन्वी का खून कर दिया? नहीं साहब। तो फिर तू भागा क्यों था? मैं इसलिए भाग रहा था कि तन्वी का खूनी मुझे भी खत्म कर देगा। मैं मिलूंगा तो मुझे भी मार देगा। ए सुन, अब तेरी जुबान से तन्वी का नाम भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं। इधर देख, यही फास्ट और लास्ट वार्निंग है। तेरी हिम्मत देखकर मैं हैरान हो रहा हूँ। हिम्मत देखकर मतलब? ए, तुझे मारने के लिए मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा, समझा क्या? इधर देख, देख। बात बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। मिनट के अंदर मैं तुझे खत्म कर सकता हूँ, सिर्फ एक मिनट में। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए मेरे चमचे लोगी काफी है, तेरे टुकड़े टुकड़े करके रास्ते में फेंकने के लिए, समझा क्या? और सुन,
तन्वी तुझे प्यार नहीं करती, तुझे प्यार नहीं करती, मुझसे मुझसे प्यार करती है, मुझसे। दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। सजा से बचने के लिए झूठ बोल रहा है तू? नहीं सर फहद, अगर उसने खुद ने खून भी नहीं किया होगा तो उसने किसी और से खून करवा दिया होगा। इतनी हिम्मत है उसमें सर। ऐसा है क्या? जी सर। फहद कहाँ मिलेगा? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फहद का मोबाइल नंबर तो पता होगा ना? जी सर। अगर तू सच बोल रहा है तो फहद का मोबाइल नंबर तू हमें देगा, उसके बाद तू हमारे सामने फोन पर फहद से बात करेगा और उसके बाद फहद से मिलेगा और उसके बाद मैं फहद को उठा लूंगा। अगर इतना सा कोऑपरेशन तूने हमारे साथ नहीं किया तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि खून तूने ही किया है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। गुड, वेरी गुड। आकाश सर, एक काम करो, मोबाइल नंबर इससे लेकर इसके साथ चले जाओ, इसे अच्छे से चाय नाश्ता करवा के उसके बाद इसके फोन से फहद को फोन मिलाना। ओके सर। जी सर। और अगर किसी लड़की की जरूरत पड़े तो रूबी से करवा लेना। ओके सर। ठीक है। ए बोल, नंबर बोल। जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा वैसा करना। जाओ उसे बुला के लाओ। जाओ तुम लोग भी जाओ। बोल। जाओ। मुझे ना सच में बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा बच्चा इतना प्यारा है ना, मुझे देखते ही गोद में आ जाता है। इसलिए मुझे हमेशा मन करता है तुम्हारे घर पे आऊं। सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर में बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, उसके लिए मैंने जो चिप्स वगैरह खरीदे है ना, वो सब किसी को कहकर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। ठीक है? वो सबके साथ घुल मिल के रहता है। सभी के साथ घुल मिल कर रहता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या नाम है तुम्हारा? सोहेल। सोहेल क्या करते हो? कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। कंप्यूटर इंजीनियर? जी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फहद। फहद जी। क्या करते हो तुम? जी पढ़ाई करता हूँ। सिर्फ पढ़ाई करते हो या कुछ और भी करते हो? प्यार व्यार करते हो? जी जी नहीं। चल साहब, मेरे साहब प्यार नहीं करता। चल 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 साहब। कॉलेज में पढ़ते वक्त तन्वी के साथ तेरा रिलेशन था ना, उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसका इस्तेमाल किया तूने। शादी करूंगा बोल के उसे धोखा दिया। बोल क्यों किया? मैंने धोखा नहीं दिया सर, मैं तो उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाता था। उसे जब जो चाहिए था मैं उसे वही ला कर देता था। उसने जब मुझसे शादी करने को कहा तब मैंने उससे थोड़ा सा वक्त मांगा था, लेकिन वो मुझे बिना वक्त दिए ही बिल्कुल अवॉइड करने लगी। फिर उसने कामरान के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया। क्या बात है, मूड इतना खराब क्यों है? तुम बहुत झूठे हो, तुम्हारी कोई बात सुननी ही नहीं चाहिए। तुमसे अब मैं नहीं मिलूंगी। बताओ कल तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं? देखो तुम मेरी बात सुनो, मैं अभी थोड़ा परेशान हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दो, प्लीज थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तुम वक्त लेते ही रहो और कभी भी मेरे सामने मत आना। मैं भी देखती हूँ मेरे काबिल मुझे कोई मिलता है या नहीं, मैं भी दिखा दूंगी। अरे अरे तन्वी, मेरी बात तो सुनो तुम प्लीज। कामरान। जी सर। कामरान। कामरान कौन है? मेरा दोस्त है सर। तेरा दोस्त है? जी सर। कहाँ रहता है वो? सर वो हमारे कॉलेज के पास में ही रहता है सर। कॉलेज के पास में ही रहता है? जी सर। तुम लोगों ने तन्वी के साथ क्या किया था? बता बता, बोला ना बता। सर इस बारे में मैं और कुछ भी नहीं जानता हूँ सर। मैं तो तीसरे नंबर वाला हूँ सर, मुझसे पहले दो लोग और है सर। हाँ सर, मेरे बाद और दो लोग, वो कामरान और राजीव चौधरी सर। कामरान और राजीव के साथ भी प्यार करती थी? जी सर।
मैंने तो उसे सच बोल रहा है सर। अच्छा एक मिनट यूसुफ, मोबाइल दो, पकड़ ले, अब फोन कर। जी फोन कर। हेलो भाई, तू कहाँ पर है? हाँ हाँ, तेरे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। तू एक काम कर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सामने आ जा, मैं तुझे वहीं पर मिलता हूँ। हाँ हाँ चल। तन्वी और तेरी शादी टूट क्यों गई, बोल। सर सच कहूं तो फाद ने मुझे कुछ ऐसे एविडेंस दिखाए थे कि उससे साफ समझ में आता है कि फाद और तन्वी का फिजिकल रिलेशन था, और सर मेरे लिए ये मानना मुमकिन नहीं था। इसका मतलब तू कहना चाहता है कि तन्वी तुझे शादी के लिए जबरदस्ती कर रही थी? जी सर, वो मुझे बार बार धमकी दे रही थी। देखो खुद पे इतना इतराओ मत, बाद में मुझे सब कुछ बताया, तुम्हारा वॉइस रिकॉर्ड, तुम्हारा वीडियो, सब कुछ है मेरे पास। मुझे तुमसे आजाद होना है। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ अब मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ठीक है जाओ, मैं भी किसी की गुलाम नहीं हूँ। मैं बचपन से ही आजाद पंछी थी और आज भी हूँ। मेरे पास तुम्हारी जो भी चीजें हैं ना, सब कुछ लेकर तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारे मम्मी पापा से कह दूंगी, या तो मुझसे शादी करनी होगी या तो तुम्हें मुझे पैसे देने। अजीब है तू, मुझे बता हमारे बीच में माँ बाप को क्यों ला रही है तू? क्योंकि कान खींचने से सर आ ही जाए। शादी तो मैं तुझसे कभी नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा बोल रही है तू। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, तुम ही बोल रहे हो। या तो शादी करोगे या तो पैसे दोगे मुझे। क्या कर लोगी? जितने भी वीडियो है ना मेरे पास, वो सब कुछ लेकर तुम्हारे घर पहुँचूंगी, तुम्हारे माँ बाप को दिखाऊंगी। समझ गए तुम? सुनो, आप क्या बोल रहे हो? बात ध्यान से सुनो, तुम कोई भी बखेड़ा खड़ा नहीं करोगे, समझी? मैं कोई बखेड़ा नहीं खड़ा कर रही हूँ, ये तुम कर रहे हो, समझ गए ना? जाओ। वो मेरे घर जाने वाली थी, मुझे मजबूर कर रही थी शादी करने के लिए। हाँ, और इसी वजह से तूने तन्वी का खून करके अपना रास्ता साफ कर लिया है ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैं इतना घिनौना काम नहीं कर सकता सर। तो किसने किया? राजीव और फाहद ने किया है। नहीं 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 सर, नहीं, राजीव बिल्कुल बेगुनाह है। इसका मतलब राजीव निर्दोष? तो फिर तूने और फाहद ने क्या है ये काम, बोल बोल, फाहद और तूने क्या है? नहीं माँ, मैं जा रही हूँ। अरे सुन, अच्छे से जाना, सड़क पर ध्यान देना, और कॉलेज खत्म होते ही जल्दी घर आना, मुझे बहुत चिंता। तो मुझे लेकर इतना टेंशन मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। चलती हूँ मम्मी। जी कहिए। आप ही तन्वी की मम्मी है ना? जी। देखिए हम थाने से आए हैं, तो तन्वी की कातिलों को ढूंढने के लिए आपकी मदद चाहिए, इस बारे में थोड़ी बात करनी है आपसे। जी पूछिए। तन्वी की जो दोस्त थी उसका क्या नाम था? क्या आप ज्योति के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, ज्योति ज्योति। और एक लड़की कौन थी? यूसुफ? यास्मीन सर। यास्मीन? हाँ यास्मीन सर। अच्छा जी, एक काम करिए, आप बीमार है ऐसा कहकर उन दोनों को कॉल करके घर पर बुला लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ। देखिए आप तो जरूर चाहेंगे कि हम आपके बेटी के कातिलों को ढूंढ कर निकाले। जी। तो हमें आपकी मदद चाहिए, प्लीज। ए आंटी फोन कर रही है, रुक जा। हेलो, सलाम वालेकुम आंटी। सुनो बेटा,
क्या तुम दोनों इस वक्त मेरे घर आ सकती हो? क्यों आंटी, क्या हुआ है आपको? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, बहुत बुखार है। तुम यास्मीन को लेकर जल्दी घर आ जाओ। अच्छा ठीक है आंटी, यास्मीन मेरे साथ ही है, हम दोनों अभी आते हैं। जी अच्छा, सलाम अलैकुम। क्या हुआ? आंटी को बुखार है। चल चलते हैं, देख कर आते हैं। देखिए हम लोग छिप जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहीं पर हैं। ओके ठीक है। मनीषा रूबी तुम लोग वहाँ छुप जाओ। चलो अरे आप जेल से कब छूट गए? वो तो मैं कब का छूट गया, लेकिन तुम लोग कहाँ जा रही हो? तन्वी की माँ बीमार है, उन्हें देखने जा रहे हैं। अच्छा तो उन्हें मेरा सलाम बोलना। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा अच्छा। आंटी आपकी तो तबीयत खराब थी। थाने से कुछ मेहमान आए हैं। थाने से मेहमान आए हैं मतलब? मुझे नहीं पता। ज्योति, यास्मीन, आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। मनीषा रूबी सर ले चलो। चलो धन्यवाद आपका, चलिए चलो, चलो। चल मुंह खोल अपना, सच बोल। देखो जरा ये लोग कौन खड़े हैं तुम्हारे पास। सिर्फ मेरे कहते ही ये लोग तुम्हें टॉर्चर करना शुरू कर देंगे, समझ गए ना? तुम बोलोगी क्योंकि हम पीटना शुरू करते हैं तो कभी रुकते नहीं हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ए लड़की, एक लड़की होकर तूने इतना घिनौना काम किया, वो भी एक लड़की के साथ, तुझे शर्म नहीं आई? बोलती क्यों नहीं, बता जल्दी। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, उन लोगों ने किया है सर। कौन वो लोग बता मुझे, जल्दी बता। बोलती क्यों नहीं, बोल बोल। अच्छी बच्ची की तरह बता हमें, हम लोग तुझे छोड़ देंगे, समझी? तेरे मुझसे सच सुनना चाहते हैं। चुप क्यों है, बोल बोल। तुझे मालूम है हमें सब कुछ पता है, बता। सर बताती हूँ। बोल, ठीक है, अच्छी बच्ची की तरह बता दे। सर अगर मैं सब कुछ बता दूँ तो आप मुझे छोड़ देंगे ना? हाँ हाँ छोड़ दूंगा, पक्का छोड़ दूंगा तुझे। पहले सच सच बता, अगर सच बताएगी तो मैं तुझ पे रहम करूंगा। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सच बताया तो तुझे हम जाने देंगे, बता। तुम लोग यहाँ खड़े हो जाओ। आकाश तुम लोग वहाँ जाओ। यूसुफ तुम उधर जाओ। मोहम्मद अली सर तुम उस तरफ जाओ। अब ठीक है, आकाश तुम उधर रहो। हाँ सर। फोन करो, कोई चालाकी मत करना, वो दोनों ही यहाँ आने चाहिए। हेलो शाहरुख, कहाँ हो तुम? कॉलेज कैंपस के पीछे वाली बिल्डिंग में आ जाओ ना। थोड़ा झगड़ा हो गया है, तुम जल्दी आ जाओ। Thank you.
क्या हुआ, क्यों बुलाया हमें? ये दोनों रुक, कोई हिलेगा नहीं। तेरी कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है यूसुफ? चल 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 सब चलो, इन लोगों को भी लेके चलो। जी सर। चल 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 गाड़ी में बैठ। चले चल चल अंदर चल चल। मनीषा चुप, रूबी उन दोनों को भी लेकर आओ। सुन, तेरा नाम क्या था? सर, मेरा नाम मुजीब है सर। मुजीब? हाँ सर। तू खुद से सब कुछ बताएगा या मुझे उगलवाना पड़ेगा तुझसे? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है सर। कुछ नहीं पता है तुझे? नहीं हा? सर। यूसुफ, बोल, बोल मुखर, बता बता सर, बता। सर सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं पता है ना? नहीं सर। हाँ? कुछ नहीं। तुझे एक घंटे का समय देता हूँ, इस एक घंटे में सोच के बता तू सच बोलेगा या नहीं बोलेगा, समझा? और अगर एक घंटे में तूने सच नहीं बताया तो मुझे अच्छे से पता है तुझसे सच कैसे उगलवाना है। बोल बोल, तू और तेरी गर्लफ्रेंड ने मिलकर एक लड़की का मर्डर क्यों किया, बोल। सर सर बताता हूँ सर, बताता हूँ, बताता हूँ सर। बोल बोल सर, बोल सर, बोल बोल सर। वो तन्वी है ना, मुझे वो बहुत बहुत पसंद करती थी, पर मैं ज्योति के साथ अफेयर में था सर, इसीलिए सर मैंने तन्वी को बहुत समझाया था सर। सुनो, तुमसे मैं प्यार नहीं कर सकता, अब ये मुझसे नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, थोड़ा सोच कर देखो। हाँ तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे भी तुमसे प्यार होना चाहिए ना। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो उठो। सुनो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, सॉरी, मैं ज्योति को भुला नहीं सकता। क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? देखो, मुजीब तुमसे प्यार करता है, तुम अब उसी के बारे में सोचो। मुजीब जैसे लड़के से प्यार करूंगी मैं? तो तेरी जैसी लड़की के साथ मैं प्यार करूंगा? ए, तुझे और कितने लोग चाहिए और कितनों की जिंदगी खराब करेगी तू? खबरदार, शाहरुख से अब कभी बात मत करना। मैं भी देखूंगी तुम दोनों का रिश्ता कितने दिनों तक चलता है, जा जा देख लेना। मैंने ज्योति के सामने सर तन्वी को आखिरी फैसला सुना दिया था, मैंने बोल दिया था कि मैं ज्योति को नहीं भुला सकता क्योंकि मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ, सच कह रहा हूँ सर। है? प्यार करता था, प्यार करता था सर। तो फिर किस लिए, बोल।
जब मैं कैंपस में पहुंचा तब देखा मुझे और ज्योति को वहां देखकर सारे लोग हम पर हंस रहे थे सर। तब सर मैंने जाकर देखा तन्वी ने मेरे और ज्योति के सारे पर्सनल फोटोस और वीडियोस हमारे कैंपस में सर सबको दिखा दिए सर। तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड की शादी हुई है? नहीं हा? सर पर मैं करूंगा सर। शादी होने से पहले तुम दोनों को ये करते हुए शर्म नहीं आई सर? और इसी वजह से एक लड़की का तुमने खून कर दिया? नहीं सर मैंने तन्वी को बहुत समझाया था सर, उसके बाद वो किसी दूसरे लड़के के साथ मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करती थी। तन्वी ये काम तूने अच्छा नहीं किया है, तू हमारी पर्सनल चीजें लोगों को दिखा रही है। छी। सुन, तुझसे मैंने प्यार नहीं किया इसीलिए तू हमारी पर्सनल चीजें सभी को दिखा रही है। तुझे मैं देख लूंगा, तेरी पर्सनल चीजें अगर मुझे कभी मिल गई ना मैं सबको दिखाऊंगा सबको। मैंने कहा था ना तुम दोनों का ये रिश्ता कब तक टिकेगा मैं देख लूंगी, देख लिया ना? छी। शर्म से तुझे डूबकर मरना चाहिए। छी। शर्म से डूबकर मुझे नहीं तुझे मरना चाहिए, सभी लोग तुझे देखकर तुझ पर हंस रहे हैं, तुझे फ्रेंड बोलने में भी मुझे नफरत हो रही है। छी। तूने हमारा इंटीमेट वीडियो सभी को दिखाया है ना? हाँ? तेरे कितने कारनामे हैं और तू क्या है ये हम सबको दिखा देंगे। चलो ऐसी घिनौनी लड़की के साथ हम लोगों को कोई दोस्ती नहीं। अभी भी वक्त है, इसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, नहीं तो देख लेना आगे और क्या क्या करती हूँ तेरी जैसी लड़की के साथ ना। हम दोनों भी तुझे देख लेंगे, ये तो याद रखना। सुन, तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सर हम इस बात को मान नहीं पा रहे थे क्योंकि सर उसके बाद उसने हमारे पेरेंट्स को भी दिखा दिया था सर। सुन शाहरुख, तूने जो जो बात मेरे सामने कबूली है सर के पास और कोर्ट में एकदम ऐसा ही कबूल ना समझा? हाँ सर। और अगर तूने उनके सामने कुछ और बोला ना तो समझ लेना तेरा हाल मैं क्या करूंगा, तू सोच भी नहीं सकता। ठीक है सर, ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा सर। मोहम्मद अली सर लेके चलो इसे। चले उठ। तू फहद है? जी सर। अब सभी के सामने सच सच बताएगा तू, समझा? मेरी तरफ देख, मुझे पता है तू सच ही बोलेगा, सब कुछ सच सच बताएगा, बोल सर। मेरी तरफ देख कर बोल। सर हम 6 लोग ही सर तन्वी के बिहेवियर से बहुत फेड अप थे। तेरे बिना जिंदगी में कोई शिकवा तो नहीं। क्यों यास्मीन, इस दुनिया में और किसी को पटा नहीं पाई तू? आखिरकार मेरे ही बंदे को तूने फंसा लिया। तन्वी तू बहुत ज्यादा बोल रही है, तेरी किस्मत में क्या है पता नहीं। तेरा क्या होगा पता नहीं। चुप कर, तेरे बदन से बदबू आती है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। उफ बकवास। चलो क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई? अब क्या बताऊं, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था,
और तेरी हीरोइन तो माशाल्लाह है, मेकअप करने के लिए 2 घंटा चाहिए इसे। तन्वी तू उधर बैठ जा। मेकअप करने की क्या जरूरत थी, तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर हो। इसीलिए तो इतना मेकअप करती हूँ। ठीक कहा। अच्छा तुम लोग बातें करो, मेरी क्लास है, मैं क्लास खत्म करके आई। अच्छा ठीक है, क्लास के बाद मुझे फोन करना। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, बाय बाय। और कौन कौन जाएगा? मैं और तू, और उन्हें फोन पर बता दूंगी, अगर आएंगे तो आ जाएंगे। एक काम कर, राजीव को भी कॉल कर, उसे भी आने को बोल दे, हम एक साथ घूमेंगे, मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा, फोन करना। अच्छा ठीक है, करती हूँ। उसका तो फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ है, मेरे फोन की भी बैटरी लो है, छोड़ जाने दे। आज हमारी सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। सही कहा तूने। पता नहीं इतनी देर क्यों कर रही है। कब आए तुम लोग? अरे इतना लेट क्यों कर दिया? तू पूछ मत, रास्ते की हालत बहुत खराब है। अच्छा ठीक है, चल बैठ। बाकी लोग कहाँ हैं? वो लोग रास्ते में चढ़ जाएंगे। हाँ। आजा।
तन्वी को मारने की साजिश की थी उसके दोस्तों ने और उसके बॉयफ्रेंड ने। इस साजिश में और भी लोग शामिल थे जिनके नाम है राहत, राजीव, यास्मीन और एक सरफिरा आशिक मौला के साथ कुल 6 लोग। साजिश के अनुसार पिछले 13 मई 2016 को चट्टग्राम के इको पार्क से यूनिवर्सिटी की छात्रा तन्वी गायब हो गई थी। ठीक उसी इलाके में जाती है तन्वी की दोस्त ज्योति और वहाँ पर पहले से ही गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे थे ज्योति और तन्वी के बाकी दोस्त। उसके बाद हिस्सेदार बनते हैं राहत और मौला। दोस्तों ये था हमारा आज का क्राइम पेट्रोल, एक सच्ची घटना। सच बहुत कठिन है, सच के सामने झूठ की हार निश्चित है। हमने देखा क्यों, किस तरह से, किस लापरवाही की बलि चढ़ी है तन्वी। ऐसी घटनाएं होती है बहुत ही व्यक्तिगत, पारिवारिक पर बहुत ही शर्मसार। इसीलिए अपने तरीके से देश और देश के लोगों से मोहब्बत कीजिए। ये देश हमारा है, आपका है, हम सबका है। हम मिलते हैं अगले हफ्ते फिर किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक घर बाहर सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, एक सच्ची घटना। तुम लोग सभी पढ़े लिखे और शरीफ घर के लड़के हो, पर एक बात तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए थी कि सारे खेल खेल नहीं होते। कभी किसी खेल का कोई खिलाड़ी बन जाता है तो कभी किसी खेल में किसी की जान भी चली जाती है। तुम लोगों ने जो खेल खेला है, तुम्हारे उसी खेल की वजह से तन्वी की जान चली गई। और देखो अब तुम लोगों की अपनी जिंदगी भी अंधेरे में कटने वाली है।